बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ है शादियों वाला कढ़ाई मटन, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और इसे कढ़ाई में बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप इसे थोड़ा सा इजी प्रोसेस में भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक सेविया सिद्दीकी चैनल में। आज हम बनाएंगे एकदम शादियों वाला कढ़ाई मटन। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही इजी है। कढ़ाई में बनाने से थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही लाजवाब बनेगा। अगर टाइम आपके पास है तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 600 ग्राम मटन, तो बहुत बड़े पीस नहीं है, थोड़ा सा छोटे हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन, थोड़े से मसाले जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून नमक और 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और कश्मीरी मिर्च डालेंगे इसमें, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून। तो हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, हल्दी पाउडर इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसे हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं ना, तो इसलिए हल्दी पाउडर को थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 कप फ्रेश दही। तो दही जो नॉर्मल कप है तो उससे 1/2 कप डाल दें, नहीं तो 4 टेबल स्पून दही जाएगा। और इसे अब मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिला दिया है और इसे अब ढक कर हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप फौरन भी बना सकते हैं, और लेकिन हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, इसे अब हम बनाते हैं। तो चलिए, अगर लोहे की कढ़ाई आपके पास नहीं है तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और हम इसे बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में, तो 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसे थोड़ा अच्छे से गर्म करना रहता है, नहीं तो इसका कच्चापन आपके खाने में आ जाएगा। तो ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें हम डालेंगे 5 लौंग, 3 छोटी इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का, और इसके साथ में डाल देंगे इसमें मटन, आराम से डालेंगे। और अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो इसे भूनना बहुत अच्छी तरीके से है, भूनने से इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़ेगा, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करें। तो यहाँ पे हमने देखिए इसे बहुत ही अच्छे से भून लिया है। ये देखिए मसाला इसका एकदम भुन गया है, और अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे गलने के लिए। और इस जगह पे आप चाहें तो इसे भूनने के बाद कढ़ाई में भूने, इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करके 2-3 सीटी ले सकते हैं और फिर इसे ट्रांसफ़र करें कढ़ाई में। और जब तक हमारा मटन गल रहा है, हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज इसे गोल्डन फ्राई किया है, और इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून सूखा नारियल, इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं, तो इसे हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे खसखस। और अब इन तीनों चीज़ों का हमें बारीक सा पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट हमने इसका बारीक सा बना लिया है, और अब चेक करते हैं मटन। तो बीच में हमने इसे 2-3 बार चला दिया था, और हमारे पास टाइम ज़्यादा था इसलिए हमने इसको कढ़ाई में भी बनाया है, और आप इसे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा प्रोसेस कर सकते हैं गलाने का। और मटन देखिए हमारा एकदम बढ़िया सा गल गया है, और अब इसे
फिर से भून लेंगे, अगर पानी है तो इसे भून लेंगे ना, तो भूनने से बहुत ही टेस्ट बढ़ेगा इसका। तो जब ये अच्छे से भून गया तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है, उसे डालेंगे। और डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। यकीन जानिए ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, आप चाहे तो इसे 2 मिनट पका के ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, यानी कि हाफ कप के हैं। और इसे मिक्स करके 2-3 मिनट ऐसे ही हम पका देंगे, क्योंकि मटन गल चुका है, हम खुला ही रखेंगे, ऐसे ही बस 2-3 मिनट पका लेना है। और इसमें अब लास्ट चीज़ जो हमें ऐड करनी है वो है केवड़ा वाटर, बहुत ही ज़रूरी है, इसे ज़रूर डालें। तो इसे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, तो ये कुछ इस तरह से आता है, आप इसे ले सकते हैं। और बस मिक्स करने के बाद ये एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बनता है, इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, एकदम शादियों वाला, आप कहेंगे इतना अच्छा सा घर पे तैयार हो गया है। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।